नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने के बाद आज तीसरी बार ढील दी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और वाहनों का मेला लगने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। इसको लेकर प्रशासन ने अब टोटल लॉकडाउन कर दिया है। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे और SP कृष्णा वेणी दिसावतु साइकिल लेकर लोगों को संदेश देने निकले। अब लॉकडाउन के दौरान साइकिल और पैदल ही निकलना होगा। वही SP और कलेक्टर ने दूध की दुकान पर पहुंचकर दूध भी खरीदा और दुकान संचालक के मना करने के बाद भी भुगतान किया। साथ ही हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि घरों में रहे और हमें सहयोग करें। काइंडली स्टे एट होम, घर पे रहिए और घर से बाहर आपको निकलना है दवाई के लिए, दूध के लिए। तो अभी जैसे हम और कलेक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं, साइकिल पे आए या पैदल आए, और जैसे ये सर्कल्स बनाए हैं, जैसे मैं और कलेक्टर साहब खड़े थे वैसे खड़े रहे। आपसे पुनः अनुरोध है, प्लीज स्टे एट होम। थैंक यू। लोगों पर निकले हैं ताकि पूरे देवास के नागरिकों के लिए यह स्पष्ट संदेश जाए कि कल किसी भी तरह के वाहन की हमने अनुमति नहीं दी है, बल्कि आज जैसे ही आदेश जारी होगा उसके बाद से कोई भी नागरिक घरों से नहीं निकलेगा। और हमने राशन की और दवाइयों की दुकानें खुली रखी हैं। खुली इसलिए रखी है ताकि हम होम डिलीवरी करा सकें। कोई भी व्यक्ति केवल दवा लेने के लिए एक व्यक्ति पैदल या साइकिल से आ सकता है। तो साइकिल से दूध लेने के लिए हम लोग आए और दवाइयों की दुकान पर आए, उसके पीछे मंशा इसी संदेश को देने की है कि सभी नागरिक इसे समझें और बहुत आवश्यक होने पर केवल दवाइयों के लिए या तो पैदल आए या साइकिल पर। सर, मीडिया हो के लिए क्या रहेगा, जैसे टू व्हीलर बंद कर दी है उसने? सभी तरह के दो पहिए वाहन और चार पहिए वाहन हमने प्रतिबंधित किए हैं और उसमें आदेश में यह गुंजाइश रखी है कि जिन्हें हम अनुमति देंगे वो केवल बाइक से आ सकेंगे। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।